एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग, आई होप कि अच्छे होंगे। करते हैं आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बोला था कि मुझे इस बॉर्डर में एप्पल बनाना है, तो इसका जो नीचे का बॉर्डर था वो तो मैंने बना लिया है एंड ऊपर का बॉर्डर मुझे भी ड्रॉ करना है। तो उसके लिए पता है क्या है, अगर हम किसी प्लेट में बनाते तो हम प्लेट में बनाने के लिए हम कटोरी या प्लेट्स की सहायता से सर्कल कर सकते हैं, पर इसमें ऐसा नहीं कर सकते। तो इतना नीचे का तो मैंने कर लिया था, बट तभी भी थोड़ी बहुत लाइंस में ऊंच नीच हो रही थी। तो अब मैंने सोचा है कि कुछ अपना दिमाग लगाते हैं। तो इसके लिए मैंने ले ली है अपनी एक चूड़ी। इस चूड़ी को ना मैं इसमें रखूंगी, देखिए ये इसमें मैंने रख दिया। और अब मैं क्या करूँगी, स्केच से इसका ड्राफ्ट तैयार करूंगी। तो लगभग जहाँ तक मुझे लगता है कि लाइन तो सीधी आनी चाहिए। मैं भी पहली बार ही बना रही हूँ, मैंने आज तक बनाया नहीं है ये सब चीज़ें। तो अगर जब बनाना है तो अच्छा बनाना है, बस फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, मैं इतना ही सोचती हूँ। तो ड्राफ्ट खींच के दिखाती हूँ आपको, अगर सही लगेगा तो भी इसी के ऊपर ब्रशिंग करूँगी। तो ये देखिए, तो ये सर्कल है ना, वो सर्कल खींच चुका है मेरा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है बट इतना चलेगा अभी। एंड उसके बाद ना मैंने क्या ले रखा है, मैंने रबर बैंड ले रखा है। तो रबर बैंड तो फैला है तो बॉटल्स के कहीं भी आ चल जाएगा। ये देखिए, सपोज अब मुझे यहाँ पे कुछ बनाना है या यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ड्रॉ करना है, तो पहले मैं सबको बराबर कर लेती हूँ, ये देखिए। और उसके बाद स्केच से ड्राफ्ट खींच लूंगी इसका। बस ये मैंने अपना दिमाग लगाया, मुझे पता नहीं है कि ऐसे भी हो सकता है, बस कोशिश कर रही हूँ कि हो जाए ऐसा, ताकि ड्राफ्ट खींचने में मुझे भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखते हैं। वाह, देखिए एकदम राउंड शेप में अच्छे से हो चुका है, दिख रहा है आपको, ये देखिए लाइन। तो फिर अब इसमें करते हैं ड्राइंग, तो दिखाती हूँ मैं आपको। ओके, आगे का काम करना स्टार्ट करते हैं। अब करते हैं बॉटल में एप्पल बनाना स्टार्ट। तो इसके लिए सबसे पहले जो मैंने चूड़ी की सहायता से सर्कल किया हुआ था ना ड्राफ्ट खींचने के लिए, उसको मैं वाइट पेंट से पेंट कर लूँगी उसमें, ताकि मुझे सर्कल दिखाई दे, क्योंकि स्केच कलर तो एकदम मिट जाता है, थोड़ा सा ही अगर हाथ ऊपर नीचे लग जाए तो वो मिट जाता है। और हाँ, जब भी हम एप्पल बनाते हैं तो हमारा ब्रश बहुत पतला होना चाहिए। और दूसरी बात, जब हम पेंट में डिप करते हैं ना तो एकदम पोंछ के अच्छे से, मतलब उसको ऊपर लाना चाहिए, वरना क्या होता है अगर हम डिप ज़्यादा कर ले तो जो हमारा पेंट है वो नीचे की तरफ बहने लग जाता है। तो हमें हमेशा डिप अच्छे से और हल्का डिप करना है इसको बनाने के लिए। और बहुत ही इजी तरीके से आप इसमें कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो अभी मैं बस नॉर्मल सा ही डिज़ाइन बना रही हूँ। और दोनों साइड मैंने नीचे भी इसके सर्कल किया हुआ था एंड ऊपर भी किया हुआ था। तो अभी देखिए मेरा इतना बॉटल का एप्पल बन चुका है। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं एप्पल बना रही थी, पर एप्पल बनाते बनाते अभी किसी का फ़ोन आ गया, तो मुझे अभी अहमद जाना है किसी से मिलने, क्योंकि हमारे बिल्डिंग में किसी की डिलीवरी हुई थी। तो अभी हम उनसे मिलने के लिए अहमद जाते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितना बना रखा है। बस अभी मैंने सिर्फ इतना ही बनाया और इसको सर्कल करना है। तो इसके अंदर मैं आपको बाद में करके दिखाती हूँ एंड दिखाती हूँ आपको यहाँ का हॉस्पिटल कैसा है वहाँ पहुँचने के बाद। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी एंड आधी देख रहा है टीवी, देखो एक साइड से टीवी लगा रखी है और एक साइड से फोन देख रहा है। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, चलो बाय। हम पहुँच चुके हैं हॉस्पिटल। तो ज़्यादा मैं हॉस्पिटल के अंदर तो आपको कुछ दिखा नहीं सकती, बस बाहर का ही व्यू दिखा सकती हूँ, क्योंकि अभी जो डिलीवरी हुई है वो सिजरन से हो रखी है, तो थोड़ा सा हम लोगों को भी वहाँ पे जाना अलाउ उतना नहीं कर रहे थे, बस हम ऐसे चले गए। एंड ये है यहाँ का हॉस्पिटल एंड ये है हमारे साथ वाले जो अब गाड़ी का वेट कर रहे हैं, क्योंकि भैया कार लेके आ रहे थे, तो ये लोग गए कार में और हम लोग चले गए अपने दो पहिए वाले पैरों से मार्केट की ओर, भावनगर में। तो हम दोनों ना उस दिन को याद करूँ जब हम पहले कॉलेज जाते थे, तो कॉलेज जाते टाइम हम ऐसे ही बैग टांग के कॉलेज की तरफ निकलते थे, मतलब
वो बचपन जब भी उसके बारे में सोचो तो बहुत अच्छा लगता है ना कि हमने ऐसे दिन भी इंजॉय करे थे अपनी लाइफ में। और उसके बाद सबसे पहले हम गए टेलर की दुकान में, हमने अपना ब्लाउज दिया था तो ब्लाउज हम लेके आ गए। एंड उसके बाद आपने देखा होगा मेरे ब्लॉक में एक लड़की आती, ज़्यादातर आती है मिस्टी, बट आजकल नहीं आ रही है क्योंकि अभी हाफ ईयरली चल रहे हैं। तो उसका बर्थडे आने वाला था तो ड्रेस तो हमने श्राद्धों से पहले ही ले ली थी ना, तो हमने सोचा कि आज थोड़ा बहुत डेकोरेशन का सामान ले लेते हैं। तो बैलून, बैनर्स, ये सब कुछ हम लेके निकल चुके थे बाहर की ओर। एंड उसके बाद थोड़ा सा और भी काम था जो हमें करना था, क्योंकि यार हम बहुत दिनों बाद मार्केट आए थे और देखिए बाहर कितना अंधेरा हो चुका है, और भैया लोग का भी कॉल पे कॉल आ रहा था कि तुम लोग कहाँ पे हो, कब आ रहे हो। तो फिर फाइनली वो हमें लेने के लिए आए और हम पहुँच गए अपने इलाके पे। तो ये है हमारा जहाँ पे हम रहते हैं, हमारे घर के बाहर का व्यू, और बहुत ही अच्छा है। आप देखिए मतलब एक वेल सोसाइटी लगता है ये, कि सोसाइटी में क्या होता है ना, देखिए बच्चों के लिए खेलने के लिए होना चाहिए एंड थोड़ा वॉक करने के लिए होना चाहिए, और यहाँ का मतलब सिक्योरिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब कुछ यहाँ पे है, और सबसे बड़ी बात ना यहाँ पे साफ़ सुथरा बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए सबके घरों की लाइट ऑन हो चुकी है और हम इतने अंधेरे में वहाँ से निकले हुए थे। मार्केट से आने के बाद हो गया रात का टाइम, तो अभी बज रहे रात के 9। एंड मैं आदि और अथव को होमवर्क कराया पहले, अथव होमवर्क करके चला गया, एंड आदि अभी अपना मैथ्स के सम सॉल्व कर रहा है क्योंकि नेक्स्ट डेज का मैथ्स का पेपर है। एंड सिरोला जी खिला रहे हैं इनको रोटी। वैसे ना अगर इनको प्लेट में रोटी डाल के दो तो ये खुद नहीं खाते हैं, बोलते नहीं खाना, तो अगर ऐसे डाल दो इनके मुंह बैठ तो ये खा लेते हैं फटाफट। तो टाइम भी काफ़ी हो चुका था, सिरोला जी और अथव वॉक करके भी आ चुके थे और हम दोनों पढ़ने में ही थे, क्योंकि मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस करो उतना अच्छा है। एंड टाइम हो रहा है अभी रात के 10:30 बजने वाले हैं, तो मैंने आदि को बोला चलो अब रेस्ट करते हैं, एक तो मैं भी बहुत थक चुकी थी। तो आदि अपना टेबल रखकर हम चले गए बेड में। हेलो फ्रेंड्स, तो टाइम हो चुका हाँ है रात के 10:30 और आदि ने पढ़ लिया किताब एंड अपना स्टडी टेबल रख दिया उसने उसकी जगह पे। तो अब हम सोते हैं, तो सोने से पहले बच्चों से थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं, क्योंकि आज मैं दिन से ही पहले हॉस्पिटल गई थी, तो वहीं से मार्केट चली गई थी, तो मैं अभी आई 8 बजे, फिर थोड़ी देर आदि को पढ़ाया, देन अभी हम खाना खा के सोने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो मेरे अब्सेंटी में इन लोगों ने क्या क्या किया अब ये बताएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा अथर्व से, ठीक है अथर्व, पाई। तुमने क्या किया है मेरे जाने के बाद? पढ़ाई करी। और आधे तुमने हैं मतलब घूमने गए, घूमने तुमने पढ़ाई करी, अथर्व तुम घूमने नहीं गए? किसके गई साथ गए घूमने? अम्मा अम्मा के साथ गए। के और आधे क्या क्या किया तुमने वहाँ? साथ खेला। और खेला अतः तुमने क्या किया? हमारे साथ भी था, मामा के साथ बैठा झूठ तुम। बोल ले। मैं नौ लगाया चलो ठीक है, अब बताओ तुमने क्या क्या खाया मेरे जाने के बाद? जी। केला, कितने केले खाए? एक केला, एक केला मिट्टी खाया। ने भी हाँ मिष्टी ने भी। और आदि ने दो दो केले खाए और मिष्टी ने दो दो केले मिष्टी ने भी खाए। और उसके बाद तुमने कितना परेशान किया पापा और मामा को, जल्दी आदि से बताओ। पूछे करे था करा था ना परेशान? और डांट खाई पापा के हाथ से? नहीं खाई। अब हम क्या करते हैं, सो जाते हैं, ठीक है? बहुत रात हो गई है ना, तो चलो बोलो बाय बाय, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। अगर अगर आपको आपको हमारा हमारा ब्लॉग ब्लॉग अच्छा अच्छा लगा लगा तो प्लीज प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना करना एंड शेयर करना, शेयर करना। बाय बाय, बाय, टेक केयर, टेक केयर, गुड नाइट, नाइट। चलो अथर्व फ्लैंक किस करो।